अगर आपका बड़ा है, अगर आपको उसका कलर ज़्यादा कलर है, 5-6 कलर है और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो सिंपली आप उसको जूम करके या फिर स्लो करके देख सकते हैं। आप पहले सबसे पहले लॉक खोलते हैं, उसके बाद जो कॉर्नर पे स्टार वाला बटन है उसको दबाते हैं, और जो 2 नंबर में आपको दिख रहा है शो मेमोरी डिज़ाइन, उसमें जाके एंटर मारना है। और इधर से कोई भी डिज़ाइन देख, मैं कोई 5-6 कलर वाला डिज़ाइन देख लेता हूँ, 6-7 कलर का डिज़ाइन है, उसको मैं देखूँगा कैसे। अभी कितना कलर का यहाँ से तो पता नहीं चलेगा, और यहाँ गिनती करके भी नहीं सकेगा क्योंकि ये बहुत स्पीड से जल चलता है। तो इसमें एंटर जाके देखते हैं, एंटर मार के पूरा डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आपको दिख रहा है कलर्स 8, इसमें 8 कलर है और स्टीच जो शो कर रहा है आपको यहाँ 22,586। अब इसको कौन सा कितना क्या चल रहा है वो किसे पता चलेगा, तो आप सिंपली यहाँ पे एक बटन को प्रेस करोगे, और जो एक बटन प्रेस करने से, एक नंबर बटन प्रेस करने के बाद आपको ये पी डी एक बार प्रेस करना है। यहाँ पर स्पीड आप देख रहे होंगे स्लो हो गया है, पहले से बहुत स्लो, और एक बार प्रेस करने से और स्लो हो जाएगा, और प्रेस करने से और भी स्लो हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर ही ये देखिए, उसके बाद जो PU बटन है ये वाला, इसको प्रेस कर देने से और इसे फास्ट होगा डिज़ाइन। तो मैं इस देख लेता हूँ एक बार और ट्राई मार के, ये देखिए मैंने एक नंबर बटन दबा के और PD मार दिया, तो ये डिज़ाइन बहुत स्लो हो गया। ऐसे करके आप पता लगा सकते हैं कि डिज़ाइन आपका कितना कलर है, कहाँ कहाँ पर कौन सा कलर चलाना है आपको, वो सब पता लगा सकते हैं।